हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन अंडर द इंडस ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। लास्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ इंडस्ट्रियल लॉ अंडर इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। सो लेट्स कवर टुडे सेशन रजिस्ट्रेशन, यानी कि ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, किस तरीके से ये रजिस्टर्ड होती हैं। अ ट्रेड यूनियन कैन बी रजिस्टर्ड ओनली अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इज गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ रूल मेड अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट, यानी कि जो ट्रेड यूनियन एक्ट में जो भी रूल्स हैं इन्हीं के हिसाब से इनको गवर्न किया जाता है, इन्हीं के हिसाब से इनको रेगुलेट किया जाता है जो कि रजिस्टर होती हैं अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। ओके, द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, द कॉपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 एंड द कंपनीज एक्ट 1956 शैल नॉट अप्लाई एनी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन एंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन अंडर एनी सच एक्ट शैल बी वॉइड। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिए कि भाई जितने भी ये मैंने भी अभी एक्ट के नाम बताए थे कि भाई सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज और कंपनीज एक्ट 1956 शैल नॉट अप्लाई टू एनी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। तो लिख देता हूं साथ के साथ में, अ ट्रेड यूनियन कैन बी रजिस्टर्ड A trade union can be registered only under the Trade Union Act ,1926. A registered trade union is governed by the provision of and rule made under ट्रेड यूनियन एक्ट। ओके, एटलीस्ट 7% आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ ट्रेड यूनियन। Form a trade union. These members, like the promoters of public limited company, may apply for the registration of the Trade Union Act, trade union under this act, by subscribing their name to the rules of trade union, by otherwise complying with the provision of the Trade Union Act with respect to registration. Okay. तो ये जो 7 लोग हैं ये क्या करते हैं, ये अप्लाई करते हैं एज अ रजिस्ट्रेशन के लिए, सब्सक्राइब करते हैं सो ऑल्दो इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द सब्सक्राइबर्स ऑफ टू द रूल्स ऑफ ट्रेड यूनियन हैव रिमेन्ड मेंबर फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन to the date of registration, but it is expected. क्या प्रोसीजर होता है अब ये देख लेते हैं। प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन,
प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, बाय द ट्रेड यूनियन, और सेकंड है बाय द रजिस्ट्रार। बाय द ट्रेड यूनियन इंक्लूड फाइलिंग एप्लीकेशन, फुलफिलिंग प्रोविजंस, फुलफिलिंग प्रोविजंस और बाय द रजिस्ट्रार कॉल फॉर फर्दर पर्टिकुलर्स, और सेकेंड वन है रजिस्ट्रिंग एंड इशूइंग सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रिंग एंड इशूइंग सर्टिफिकेट। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन। एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन मस्ट बी मेड द रजिस्ट्रार ऑफ द ट्रेड यूनियंस। द एप्लीकेशन मस्ट बी अकम्पेन्ड बाय द कॉपी ऑफ द रूल ऑफ द ट्रेड यूनियन। अ स्टेटमेंट कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, नेम, ऑक्यूपेशन एंड एड्रेस ऑफ द मेंबर मेकिंग द एप्लीकेशन। जितने मेंबर्स हैं उनका नाम, उनका क्या ऑक्यूपेशन है, ये सारी डिटेल उस एप्लीकेशन में होनी चाहिए जो भी आप फाइलिंग कर रहे हो। द नेम ऑफ द ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन का क्या नाम है एंड एड्रेस ऑफ द हेड ऑफिस। द टाइटल, नेम्स, एज, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द ट्रेड यूनियन, ये सारी डिटेल उसमें होनी चाहिए। तो ये पहला स्टेप है फाइलिंग द एप्लीकेशन। सेकेंड है फुलफिलिंग द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, रूल टू कंप्लाई विद द विद। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेप यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। द ट्रेड यूनियन कैन नॉट बी रजिस्टर्ड अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 अनलेस द एग्जीक्यूटिव देयर इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड द रूल्स देयर ऑफ प्रोवाइडिंग द मैटर्स, जैसे कि नेम ऑफ द ट्रेड यूनियन, द होल ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट है इस ट्रेड यूनियन को कॉन्स्टिट्यूट करने का, पर्पस, the whole of the purpose for which general fund of the trade union shall be applicable, maintenance of list of member of the trade union and adequate facilities of the inspection thereof by officer, office bearers and the member of the trade union, the payment of subscription by the member of the trade union shall not less than the 25 paise per month, the conditions under which any member shall be entitled and benefit assured by the rules under the which may fine for future may be imposed on the member, the manner in which the rules shall be amended, varied and rescinded, manner of appointing removal of the member of the executive and office bearer of the, ये सारे चीजें इसमें इसमें लिखी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड है पावर टू कॉल फॉर फर्दर पर्टिकुलर्स एंड रिक्वायर अल्ट्रेशन, सेक्शन 7 कवर करता है। रजिस्ट्रार क्या करता है, रजिस्ट्रार में कॉल द फर्दर इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पस ऑफ सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ, देन एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन कंपाइल विद द प्रोविजन सेक्शन 5। ट्रेड यूनियन इज एंटाइटल्ड द रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 6, ही मे रिफ्यूज टू रजिस्टर द ट्रेड यूनियन अंटिल सच इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड, मेकिंग रजिस्ट्रेशन एंड इशूइंग द सर्टिफिकेट। द रजिस्ट्रार ऑन द बींग सेटिस्फाई, जब वो सेटिस्फाई फील कर देता है सारी चीज़ों से, जितने भी पॉइंट हैं, जो भी प्रोविजन्स हैं वर्कर्स की मेंबर के साइड से और जो जो भी ऑफिस है उसके साइड से, तब वो क्या करता है, रजिस्ट्रार अपना काम स्टार्ट करता है। ऑन बींग सेटिस्फाई दैट ट्रेड यूनियन हैज़ कंपाइल्ड विद द ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट, यानी कि जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं प्रॉपरली वेरीफाई हैं, तो वो क्या करेगा, इन रिगार्ड टू रजिस्ट्रेशन शैल रजिस्टर द ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करता है। ही शैल रजिस्टर द ट्रेड यूनियन बाय एंटरिंग अ रजिस्टर टू बी मेंटेन इन द सच फॉर्म
कुछ फॉर्म जो मेंटेन यानी कि जो प्रिस्क्राइब फॉर्म्स हैं उनमें उनको ऐड किया जाता है. पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू द ट्रेड यूनियन कंटेन इन द स्टेटमेंट अकम्पनिंग द एप्लीकेशंस अंडर द प्रोविजन सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट. फाइनली द रजिस्ट्रार शैल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म. याद रखिए सेक्शन 9 के हिसाब से इशू सर्टिफिकेट इशू किया जाता है. द सर्टिफिकेट शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस दैट द ट्रेड यूनियन हैज बीन ड्यूली रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट. ओके, तो ये पूरा प्रोसेस है किसका, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस का. यानी कि जो भी सर्टिफिकेशन है दोनों पार्टी के हिसाब से किया जाता है. पहले ट्रेड यूनियन एप्लीकेशन को फाइल करते हैं और जो भी डिटेल है वो इंक्लूड करते हैं. उसके बाद जो भी रजिस्ट्रार है वो सारे प्रोविजंस को वेरीफाई करता है, चेक करता है कि भाई जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके हिसाब से एप्लीकेशन फाइल की गई है या नहीं की गई है. जो भी प्रिस्क्राइब फॉर्म है, जो भी प्रोविजंस हैं वो फॉलो किए गए हैं, उनको वेरीफाई किया जाता है, उनको चेक किया जाता है. उसके बाद सेक्शन 9 के हिसाब से फिर वो रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट को इशू करता है. ठीक है, ट्रेड यूनियन. अब इसका क्या इफेक्ट रहता है, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन. एज सून एज ट्रेड यूनियन इज रजिस्टर्ड इट शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट बाय नेम अंडर विच इज रजिस्टर्ड. तो एक तरीके से ये बॉडी कॉर्पोरेट का काम करती है एंड शैल हैव परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील. उनका अपना एक अपनी एक आइडेंटिटी बन जाती है विद पावर टू एक्वायर एंड होल्ड बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड टू कॉन्ट्रैक्ट एंड शैल बाय द सैड नेम सीयू एंड बी श्योर. The certificate of registration is conclusive evidence that the trade union has been duly registered under the Trade Union Act. Okay, so this is the process of registration of trade union. Thank you. Thank you very much.